नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। नाभा ब्लॉक के गांव कोटली में एक 42 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश, पारिवारिक सदस्यों ने हत्या का लगाया आरोप। एसटीएफ लुधियाना रेंज ने गुप्त सूचना के आधार पर एक दोपहिया वाहन चालक को किया काबू, 2 किलो 936 ग्राम हेरोइन की बरामद। जालंधर सीआईए स्टाफ की पुलिस ने प्रीत फगवाड़ा गैंग से जुड़े 3 युवकों को किया काबू, 6 पिस्तौल 6 देसी कट्टे किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। नाभा ब्लॉक के गांव कोटली के पुल के नजदीक खेतों में 42 वर्षीय गुरमीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गौरतलब रहे कि मृतक गुरमीत सिंह गत दिवस से ही गुमशुदा था और वह लकड़ी का काम करता था। वहीं मृतक का मोटरसाइकिल भी नजदीक ही पड़ा था। मृतक नाभा ब्लॉक के गांव वजीतपुर का रहने वाला था। जब यह खबर पारिवारिक सदस्यों तक पहुंची तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है और पुलिस अलग अलग एंगलों से मामले की जांच कर रही है। तो वहीं पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि गुरमीत सिंह का कत्ल किया गया है। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। मैं इधर झाड़ियां जो मोटर लंगे जा रहे थे सवेर दे लभदे फिरदे सीगे, पूरे बाइक देखी, बाइक देखने दो बार इधर उधर देखिया, फिर उधर मिले जाके। सब तो पहला तुसी देखिया? हाँ जी। किस तरह की कंडीशन सी उधर? वेरीफाई किया कर रहे हैं कि तफ्तीश देखते हैं कि इदा है कि प्रॉपर कि मारिया गया आप मरिया असीं वेरीफाई कर रहे हैं। की नाम है जी इहदा, किन्नी उम्र है? गुरमीत सिंह हैगा जी, अपना वजीतपुर दा, 40 to 45 साल की एज है। हाँ जी, कल का मिसिंग सीगा ये। कोई गल नहीं, उन्हें तो पुछगिछ असं करते हैं, जो कतल लगता असं कतल का मुकदमा देवे, जिस अकॉर्डिंग लगता है कि कतल है या आप मरिया जिमें भी होया, जो भी तफ्तीश के भी ये इन्वेस्टिगेशन है, अगर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जस्ट हले मौके पर मैं पहुंची हुई हाँ। एसटीएफ लुधियाना रेंज ने गुप्त सूचना के आधार पर की गई नाकाबंदी के दौरान एक दोपहिया वाहन चालक को 2 किलो 936 ग्राम हेरोइन सहित काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एआईजी एसटीएफ लुधियाना रेंज स्नेहदीप शर्मा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मॉडल टाउन इलाके में की गई नाकाबंदी के दौरान एक दोपहिया वाहन को रोक कर उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 2 किलो 936 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पकड़े गए आरोपी की पहचान पलविंदर सिंह निवासी मोगा के तौर पर हुई है, जो कि चंडीगढ़ मोहाली से हेरोइन लाकर लुधियाना और आसपास के इलाकों में बेचता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਟੀ ਐਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੂਰੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੈੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇ ਮੋਲ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਇਸਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੁਪੀਟਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਿਲੋ 930 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਹੈ ਇਸਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਖਰੜ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਦੇਖ ਗਏ ਸਨ। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस के अधीन आते स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए रजनीश उर्फ प्रीत फगवाड़ा गैंग से संबंधित 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी जसकरणजीत सिंह तेजा ने बताया कि पकड़े गए तीनों युवक प्रीत फगवाड़ा गैंगस्टर के लिए काम करते थे। स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ने सूचना के आधार पर इन्हें भगत सिंह कॉलोनी के पास से गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान सेठ लाल उर्फ सेठी,
राजपाल उर्फ पाली और राजेश कुमार उर्फ राजा के तौर पर हुई है। यह सब जालंधर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 32 बोर के 6 पिस्तौल, 315 बोर के 4 देसी कट्टे और 12 बोर के 2 देसी कट्टे भी बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि इन सभी पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल सभी को रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी कई खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से पंकज शर्मा की। 3 बंदियों को गिरफ्तार किया, 3 बंदे जिहड़े गिरफ्तार किए उन्होंने को 12 वैपन जिहड़े रिकवर किए, जिन्हां दे विच 5 32 बोर दे, 4 32 बोर दे पिस्टल हैं, 1 रिवॉल्वर है। कुल मतलब 5 32 बोर दे ते 4 315 बोर दे, 2 12 बोर दे, ये कुल 12 वैपन जिहड़े रिकवर किए। ये 3 बंदियां की गिरफ्तारी की है। ये जिहड़े व्यक्ति है इन्हां दा प्रीवियस रिकॉर्ड ऑलरेडी माड़ा, इन्हां तिन्हां दे खिलाफ पहलों जिहड़े मुकदमे दर्ज हैं ते ऑलरेडी जेल कट चुके हैं। सर ये किहड़े गैंग दे नाल रिलेटेड है? एक प्रीत फगवाड़ा जिहड़ा एक गैंग है जो ऑलरेडी इस टाइम फरीदकोट जिहड़ा फिरोजपुर जेल दे विच बंद है, उहदे खिलाफ पहलो जिहड़े 20 मुकदमे दर्ज हैं। उह तो यह रीसेंटली हुण इहने जिहड़ा जेल तो बाहर आ के मलेरकोटले दे विच जिहड़ा एक मर्डर किया सी, इह उस गैंग दा जिहड़ा मेन सरगना है, इहदी जिहड़ी शैत है और इहदी सारी पिछे बैकग्राउंड है, जिहड़े इहने ही इहनां नूं वैपन जिहड़ा करनाल तों मंगांदा सी। लुधियाना के नीला झंडा गुरुद्वारा साहिब के नज़दीक 7 सितंबर को 2 ग्रुपों में हुई गैंगवार के मामले में पुलिस ने विशाल जैकब नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को ढंडारी पुल के नज़दीक सहनेवाल रोड पर नाकाबंदी के दौरान मोहल्ला अमरपुरा से काबू किया है, जिसके पास से गैंगवार के दौरान इस्तेमाल की गई 32 बोर की पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर कौस्तुभ शर्मा ने बताया कि आरोपी पर पहले भी अलग अलग धाराओं के तहत लुधियाना में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी पिछले लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। देखो, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट में पुनीत बेंस और इनके साथ में संबंधित जेड़ा बंदा सी जिन्हों असी विशाल गिल कहते हैं, अलियस विशाल जैकब, ये करीब 25 साल उम्र का है। पिछले कुछ अरसे दे विच कई इंसीडेंट्स दे विच फायरिंग दे विच शहर दी ये शामिल होना पाया गया और ये हर बारी जिहड़ा है पकौड़ा हो जांदा सी, अड्ड स्टेट्स विच ये रहना पाया गया। हुण इहनू अज असीं अरैसट कर लिया है और अरैसट करन तो बाद इहदे कोलों एक 32 बोर दा रिवॉल्वर ते 2 राउंडस लाइव मिले हैं। इसी कोई नीला झंडा गुरद्वारा है इन्हां विच जिहड़ा झगड़ा होया सी इन्हां दा। सो एक तो ये रीसेंट केस है, इस तो पहले भी ये ऊपर जिहड़ा है डिवीजन नंबर 7, डिवीजन नंबर 2 और 3 दे विच भी केसेस रजिस्टर्ड है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद फिर से लुधियाना अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने कार्यवाही के बाद मोगा पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया है। लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए मोगा पुलिस और जालंधर पुलिस लुधियाना पहुंची। गौरतलब रहे कि गत दिनों लुधियाना के थाना मेहरबान की पुलिस एक कत्ल के मामले में लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर लुधियाना लेकर आई थी। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। पुलिस ने रिमांड ट्रांजिट रिमांड उसे मोगे पेश कर बठिंडा के मलोट रोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। हालांकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि पीआरटीसी की बस बलेरो गाड़ी को 200 फुट तक घसीटती हुई चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक पीआरटीसी की बस और बलेरो गाड़ी दोनों ही मलोट की तरफ से आ रहे थे। इस दौरान बलेरो गाड़ी जब बस को ओवरटेक कर रही थी तो एक पैदल व्यक्ति सड़क पर आ गया जो कि सड़क को पार कर रहा था। इस दौरान जब बलेरो गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो पीछे से आ रही पीआरटीसी की बस ने उसे टक्कर मार दी और घसीटते हुए उसे 200 फुट तक ले गई, जिस कारण बलेरो गाड़ी डिवाइडर पर जा चढ़ी। अगर डिवाइडर ना होता तो इस हादसे में कई लोगों की जानें जा सकती थी। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। मैं असी सवेरे आ रहे थे मलोड़ तो चले से बठिंडे वास्ते आ रहे थे, 833 नंबर गड्डी रोड नंबर 25 है, ये लगभग घट्टो घट भी 125-30 प्लस सवारियां सी जी, जिहदे करके आधार कार्ड की प्रॉब्लम करके भी ज्यादा सवारियां चढ़दियां हैं ते कुछ स्टूडेंट वगैरह ज्यादा सीगे। बाकी गड्डी साड़ी जी बस सी ये भी आपकी लिमिट स्पीड से सी, कोई ज्यादा नहीं सी,
अगो ट्रक नूं ते बस नूं ओवरटेकर लगने इन्हां ने जदों बलैरो गड्डी मोड़ी नहीं पिछली साइड ऐ करके नाल लग गई ते इन्हां दी गड्डी घुम गई जिहदे जिहड़ा हादसा वापरिया। किन्नी सवारी जख्मी है जी? सवारी किसी सट नहीं लगी, बस की सवारी भी सब सेफ सी और जिहड़ियां बलैरो दे विच दो चार मुंडे सी ओह वी जमां सेफ आई, सट किसी दी नहीं लगी। श्रीनगर से बिहार सेब लेकर जा रहा एक ट्रक फिलौर में पेप्सी कंपनी के नजदीक तड़क सार एक बलैरो गाड़ी से टकराने के कारण पलट गया। वहीं मौके का फायदा उठाते हुए बलैरो गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्रक ड्राइवर संदीप कुमार ने बताया कि वह श्रीनगर से सेब लेकर बिहार जा रहा था। सेब से भरा ट्रक पलटने के कारण उसका लाखों रुपयों का नुकसान हो गया है और ट्रक भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और यातायात को सुचारू रूप से चलाया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। श्रीनगर से सेब ट्रक जा रहा था जी, तो मैं दूसरी लाइन से चला गया तो तीसरी लाइन से गड्डी आई बलैरो, आगे मेरी खिड़की से ऐसे टक्कर लगी, टक्कर लगी। कितने जाना से था? आप बिहार जाना था जी। पागल, कितना का नुकसान हो गया? नुकसान तो बिल्कुल नासी हो गया जी हमारा तो। पंजाब में पुलिस की संख्या बहुत ही कम है और अब पंजाब पुलिस की नई भर्ती की परीक्षा 14 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक विभाग द्वारा ली जाएगी, जिसको लेकर नाभा में दो सेक्टर बनाए गए हैं, जिसके तहत पटियाला के एसएसपी दीपक पारेख की ओर से नाभा में होने जा रहे पुलिस भर्ती के पेपर की तैयारियों को लेकर प्रबंधों का जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस की ओर से अलग अलग पदों के लिए परीक्षा ली जा रही है, जिसके लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पटियाला जिले से भी 14 से लेकर 16 अक्टूबर तक यह परीक्षा होगी। इसी संबंध में वह जायजा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं और प्रिंसिपल के साथ मीटिंग की गई है। विद्यार्थियों के लिए पार्किंग, उनकी चेकिंग के लिए किस तरह के प्रबंध है, इसका जायजा लिया जा रहा है ताकि परीक्षा को सफलतापूर्वक चलाया जा सके। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। जी साड़ी पंजाब पुलिस की भर्ती हुण होनी है 14-15-16 तारीख नूं, उहदे संबंध विच असीं वख वख सेंटर नूं विजिट कर रहे हैं, प्रिंसीपल्स नाल मीटिंग कर रहे हैं ते देख रहे हैं कि इत्थे किद्दां अरेंजमेंट्स हैगे आ पार्किंग दे, विद्यार्थियों की चैकिंग, जिहड़े कैंडिडेट्स हैगे चैकिंग वगैरह किद्दां होनी है, क्लासरूम का की अरेंजमेंट है, सारा चैक किया, इन्हां नाल मीटिंग की है। मार्शल आर्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन पंजाब की मीटिंग एसोसिएशन के पंजाब प्रधान हीरा सोडी के निवास स्थान पर की गई, जिसमें सभी जिलों के सदस्यों ने भाग लिया। इस मौके पर हीरा सोडी ने बताया कि पंजाब की सभी एसोसिएशनों की जिला स्तर पर किए जा रहे चुनावों को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन किसी कारण यह चुनाव नहीं हो सके, इसलिए चुनावों की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। इस मौके पर उप प्रधान पवन कुमार ने कहा कि पंजाब में जो 3 एसोसिएशन हैं उनके चुनाव करवाने के लिए नेशनल स्तर के पदाधिकारी होने चाहिए, जो कि स्टेट लेवल का इलेक्शन करवाएं, इसलिए इस चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है, जिसे प्रधान की सहमति से आगे बढ़ा दिया गया है। इस मौके पर जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर और कई जिलों के अधिकारी इस मीटिंग में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। आज की पंजाब ताइक्वांडो एसोसिएशन की मीटिंग हुई है, बड़ी कैजुअली मीटिंग है, इट वाज अ इनफॉर्मल मीटिंग, फैमिली की मीटिंग सी उत्थे, क्योंकि असी इलेक्शन अनाउंस किया हुआ सी, असी उहदे ते कोई डिसीजनस लैनियां सी विद द मेन एवरीबडी, सारे यूनिट्स, कई यूनिट्स आए हुए, कई यूनिट्स नहीं आए हुए, तो उन्हां दे असी बिहाफ ते असी अगे रणनीति की बनानी है ताइक्वांडो एसोसीएशन की, क्योंकि असी अगे इलेक्शन भी कराना है, अगे स्टेट चैंपियनशिप भी होनी है, कई डिसीजनस लैन वालियां हैगियां, बच्चों ने भी जाना है, सो वी वर टेकिंग, असी डिसीजन लई है ते असी की टिल द इलेक्शन, क्योंकि साड़ी टर्म खत्म हो रही है, उन्ने टाइम तक असी 2 मैंबर कमेटी बना के वी विल रन द शो टिल द इलेक्शन इज हेल्ड इन द नियर फ्यूचर, 2-2.5 महीना तक असी इलेक्शन है जिहड़ा, जिन्नी देर केस चलते पे उन्नी देर वी विल टेक ऑल द लीगल फॉर्मैलिटीज़, क्योंकि अजे जब पावर ही नहीं रही एसोसीएशन के, क्योंकि टर्म खत्म होने वाली आ गई है, मेरे ख्याल हफ्ते 10-15 दिन तक टर्म खत्म हो जानी है, टिल दैट टाइम वी विल टेक दिस डिसीजन। मेरा नाम पवन सिंह है, मैं पंजाब ताइक्वांडो एसोसीएशन का वाइस प्रेजिडेंट हाँ। मेन गल है कि जेडे असी सैक्रेटरी साहब उरे प्रदीप जी, जिन्हों असी सिर्फ रिशफल करके पंजाब ताइक्वांडो एसोसीएशन के ही वाइस प्रधान बनाया, तो वह मतलब अपने आप को उस सैक्रेटरीशिप तो उन्होंने मतलब उत्थे पुट करते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल तो कम नहीं कुछ कर रहे, इस करके उन्होंने शफल करता से अज तो 6 महीने पहले, सो हर्डल क्रिएट कर रहे थे हर जगह, तो ये जो इलेक्शन उन्होंने
सजेस्ट किया प्रधान जी ने सोढ़ी साहब न उन्होंने किया जबकि इलैक्शन हजे होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इलैक्शन जोड़ा है वह जो इंडिया की बॉडी बनूगी उतों कोई रिप्रजेंटेटिव आऊगा तो ही इलैक्शन जो वैलिड होंगे अदरवाइज उसकी कोई वैलिडिटी नहीं हैगी। सो असी सोढ़ी साहब यही कहना आया तो यही रिक्वेस्ट लैके आया कि इलैक्शन ना कराया जाए तो सैकेंड जोड़े प्रदीप जी ने हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं उन्होंने कहा जाए कि अकॉर्डिंगली जी ऑलरेडी संस्था चल रही है पी टी ए जी साब तकनेशन चल रही है इन्हें नाल मिलकर काम कर। जालंधर में एलजी कंपनी की ओर से अपनी नई एलजी की रीगल सेल्स का शुभारंभ जालंधर स्थित शालीमार होमटेक शोरूम में की गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एलजी के ब्रांच मैनेजर हिमांशु कलानी ने बताया कि दैनिक सवेरा के सहयोग से एलजी कंपनी की ओर से अपनी नई रीगल सेल्स की शुरुआत की गई है और इस शोरूम में लोगों को इस रेंज के साथ कई प्रकार के गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं जो कि 700 रुपए से लेकर 7000 रुपए तक के हैं। इसके अलावा उनकी कंपनी की ओर से हर सामान पर एक वर्ष की पूरी गारंटी भी दी जा रही है ताकि लोग दिवाली पर उनकी कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए नए प्रोडक्टों पर जमकर खरीदारी कर सके। इस मौके पर उन्होंने दैनिक सवेरा के माध्यम से सभी देशवासियों को दिवाली पर्व की शुभकामनाएं भी दी। जालंधर से हलचल के लिए पवन कनौजिया की रिपोर्ट। वेरी गुड आफ्टरनून जियां नूं, मैं दैनिक सवेरा के माध्यम तो जालंधर वासियां नूं सब तो पहले दिवाली की बहुत बहुत बधाइयां देना चाहना हाँ। मैं एल जी का ब्रांच मैनेजर हिमांशु कलानी इस टाइम शालीमार होमटेक ते असी खड़े हाँ दैनिक सवेरा दे नाल। अज असी इत्थे अपनी रीगल सीरीज़ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਚ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੀਗਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਅਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट एल जी का खरीदता है एल जी की सिर्फ तो सिर्फ ब्रांड शॉप तो उन्होंने घट्टो घट 700 रुपए तो मैक्सीम 7000 रुपए का गिफ्ट जरूर मिलेगा। इदा नहीं है उन्होंने कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा गिफ्ट जरूर मिलेगा। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जी एक होर फैसिलिटी हैगी है वह भी सिर्फ ब्रांड शॉप तो हैगी है कि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट एल जी का लेके जाता है उन्होंने इंश्योरेंस मिलती है जोड़ा कि किसी होर ब्रांड कदे भी नहीं मिलती सिर्फ साढ़े ब्रांड मिलती है। जो तुम घर ले जाके बाई चांस साडा रस्ते या घर जाके साडा टीवी टुट भी जाता है तो भी कस्टमर नूं 100% एक साल तक की पूरी वारंटी इंश्योरेंस हैगी है जेकर उन्हें प्रोडक्ट ब्रांड शॉप तो लिता है। करवा चौथ को लेकर बाजारों में इस बार रौनकें देखने को मिल रही हैं। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने को लेकर खरीदारी में जुटी हुई हैं तो वहीं इस बार बाजारों में ऑर्गेनिक मेहंदी का रंग देखने को मिल रहा है जिसे महिलाएं भी खूब पसंद कर रही हैं। इस दौरान बाजार में मेहंदी लगवाने आई रीमा शर्मा गौरी व निकिता का कहना है कि पिछली बार कोरोना के कारण यह त्यौहार काफ़ी फीका रहा था लेकिन इस बार बाजारों में काफ़ी रौनक है। उन्होंने कहा कि वे अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखने जा रही हैं। गौरतलब रहे कि इस बार करवा चौथ 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को आ रहा है और उत्तर भारत में करवा चौथ सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये महत्व कि इस दिन सारिया सुहागना अपना मतलब कि व्रत वगैरह रख दी हैं पूरा चाह वगैरह सगन वगैरह 16 श्रृंगार कर दी हैं फिर अपने पति की लंबी उम्र वास्ते कामना कर दी हैं तो फिर जो रात चांद निकलता तो अर्घ दे के खाने वगैरह खाती हैं। भुख वगैरह सानू बिल्कुल नहीं लगती। एक्सपीरियंस ऐसे कि पहला करवा चौथ अभी तो बहुत एक्साइटेड हूँ सब कुछ पहली बार हो रहा है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप देख रहे हो कि मेहंदी लगवा रही हूँ तो मेहंदी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आफ्टरवर्ड्स जो भी होता है गर्ल्स का उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली मेरा चांद तो हमेशा मेरे पास रहता ही है तो मुझे उस चांद की वेट करने की जरूरत नहीं है। हम सबको पराली नहीं जलानी चाहिए क्योंकि इससे वातावरण प्रदूषित होता है जिसका असर पशु पक्षियों और मानवता पर पड़ता है। उक्त बात का प्रगटावा वातावरण प्रेमी और राज्यसभा सदस्य संत बलवीर सिंह सीचेवाल ने संगरूर के नज़दीकी गांव डस्का में एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को 500 रुपए क्विंटल बोनस दे ताकि वह इस पराली की अच्छी तरह से संभाल कर सके। अगर फिर भी सरकारी फैसला नहीं ले पाती तो उनकी सजा अपनी बहनों भाइयों पशुओं और जीव जंतुओं को ना दें क्योंकि उनका इसमें कोई अपराध नहीं है इसलिए पराली को आग ना लगाएं।
उन्होंने कहा कि पराली में खाद की मात्रा बहुत अधिक होती है, इससे उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, इसलिए इसे आग लगने की जगह पशुओं के हरे चारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। बाबा श्री चंद जी उन्होंने आगमन पुरब दुशियां इन्होंने अखंड पाठा के भोग पाए तो नाल उ जोड़ा है कथा कीर्तन जोड़े लौड़वंद लोग आ सभा सोसायटियाँ जोड़े गरीब परिवार आ ज पढ़ने वाले बच्चे आ उन्होंने उन्होंने जोड़ा है पैसे दे के राशि दे के ताकि अपना इलाज करा सकन। बहुत वधिया बेसहारा वास्ते काम कर रहे। पराली का मुद्दे पराली का जरा जी गल अग लाने की है साडे गुरु पातशाह ने सानू उपदेश दिता पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत ये हवा में असं प्रदूषित करा साडे अंदर जाऊगी साडे बच्चों की जाऊगी साडे परिवार तो जाऊगी जड़े कला मनुखी नहीं पशु पंछियों में भी जड़ा उन्होंने भी सह लेना सो पहली लोड़ साड़ी साफ आ। पंजाब की उबड़ खाबड़ सड़कों के कारण दिन ब दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और हर दिन कई कीमती जाने भी जा रही हैं। नाभा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भादसों से भवानीगढ़ तक की सड़क और फ्लाईओवर की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि इस फ्लाईओवर पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। इस फ्लाईओवर की मरम्मत के लिए अकाली दल स्वतंत्र द्वारा एक के बाद एक धरने प्रदर्शन किए गए थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, जिसके चलते अकाली दल स्वतंत्र द्वारा तीसरा धरना दिया गया। इस दौरान अकाली दल स्वतंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमजीत सिंह सोहली ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस फ्लाईओवर की मरम्मत नहीं हुई तो वे दिन रात धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई डॉक्टर मनदीप सिंह ने कहा कि इस ओवरब्रिज की मरम्मत 10 दिन के अंदर कर ली जाएगी और इसका काम शुरू किया जा रहा है, जिसके बाद हड़ताल हटा ली गई। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। के लवाने तो लैके भवानीगढ़ तक जिहड़े खड्डे ने सरकार जे रौला पाउंदी है, खजाना मंत्री तो कहिंदा भी पैसा बहुत है, पता नहीं वह झूठा है जां की कारण है, पर जे कहिंदे ने भी हालात ठीक नहीं, जो मीडिया मुताबक पता लगता भी पंजाब की स्थिति ठीक नहीं, असीं कहा यार मिट्टी तो पा दो खड्डे बंद कर दो तां कि लोगों नूं हुण जिवें फसल आ गई, फसल ढोनी है किसान ने ट्रक चलते ने ये जेडे लोकल ट्रक साडिया ट्रालिया चलदिया ने इन दे टायर सारे खासा हालत च हुंदे ने, असी सीजन ला के खड़ा देने हुंदे ने, उहनां नूं मुख रखते हुए मैं इत्थों दे प्रशासन नूं हथ जोड़ के बेनती करी भी यार जे जमे ही रह लिया कम सरकार दा कार सेवा वाले बाबे नूं बेनती कर लो वह खड्डे बंद करा देना। हार्ट अटैक के मामले लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं और इन मामलों में मरीज को क्या करना चाहिए यह जानना जालंधर के सिविल अस्पताल के सीनियर डॉक्टर राजीव शर्मा और हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पवन सूरी से। डॉक्टर ने बताया कि जालंधर में रोजाना करीब 80 से 100 के करीब मरीज आ जाते हैं, जिनमें हार्ट के मरीज निकल आते हैं। उन्होंने बताया कि आजकल की नई पीढ़ी जंक फूड की तरफ अधिक ध्यान देती है और व्यायाम की तरफ कम ध्यान देती है, जबकि नई पीढ़ी को रोजाना व्यायाम करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि यह व्यायाम जिम में जाकर ही हो। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। देखो इस गल लई सबनों पहलां तो जरूरी यह है कि हार्ट अटैक के कारण की होंगे ने। हार्ट अटैक के जो बेसिक कारण देखिए सबनों नूं उसके सबनों वड्डा फैक्टर हाइपर टेंशन का है, ब्लड प्रैशर ज़्यादा होता है। जे आप देखिए पंजाब की टोटल फिगर देखिए तो अप्रोक्सीमेटली 1/3 जी पॉपूलेशन आ ब्लड प्रैशर के नाल हाई ब्लड प्रैशर के नाल पीड़ित है, इस करके ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिहड़ा हार्ट अटैक का कारण बनता है। उस तो इलावा स्ट्रैस एंड स्ट्रेन्स ऑफ लाइफ, वेट का ज़्यादा होना, एक्सरसाइज घट करना, शूगर का ध्यान ना रखना, सिगरेट ते तंबाकू कंजम्पशन जिहड़ा है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिहड़ा कि हार्ट अटैक का कारण बनता है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर पंजाब में पंजाब सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है। संगरूर में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के आवास के आगे हजारों की गिनती में किसान 3 किलोमीटर के एरिया में पक्का मोर्चा लगाकर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जिन मांगों को लेकर सरकार ने उनकी बातें मानी हैं उनको लिखती तौर पर लागू किया जाए। धरने के चौथे दिन धरने की कमान महिलाओं के हाथों में रही। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि जैसे दिल्ली धरने में उन्होंने अपने किसान भाइयों का साथ दिया, वैसे ही पंजाब में भी वे दे रही हैं।
भले ही त्योहारों का सीजन है, घरों में काम है, लेकिन वे अपने घरों में नहीं बल्कि अपने किसान भाइयों के साथ डट कर खड़ी हैं। जितनी देर तक मानी हुई मांगे सरकार लागू नहीं करती, उतनी देर वे यहाँ से नहीं जाएंगे। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। देखो, साडा सीएम दी कोठी संगरूर दे विच जिहड़ा पक्का मोर्चा है ये शुरू हो चुका हैगा। 9 तरीक तो यह मोर्चा लग्या हैगा। ये अनमिथे समय का मोर्चा हैगा। जिहड़ियां मन्नियां होईयां मंगां ने उन्हां नूं लागू कराउण दे लई यह मोर्चा लग्या होया। तो अज जिहड़ा मोर्चा यह औरतां दा दिन हैगा। अज भी जदों पंजाब दे विच पंजाब दीआं मंगां नूं मनाउण दे लई मोर्चा चल रहा है, तो अज भी औरतां ही बुलारे ने, औरतां ही संचालन कर रही ने, तो औरतां ही गीत गा रही ने। तो अज असी पंजाब दे विच्चों औरतां आ रही ने, काफले आ रहे ने, तो यह साडा शुरुआती दौर है। ये गल तो ठीक है भी धरना तो साडा पहला रखा हुआ सी, सानू मीटिंग की गलबात दा सद्दे तां आया जो साडा धरना रखा हुआ सी, पर असल च धरने दे विच गलबात तो हुई है। सरकार ने साडे नाल पॉजिटिव गलबात की है, मंगा भी मन लिया। जदों सानू उन्होंने कहा भी हुण धरना तां मुलतवी कर दो, उदों असीं जवाब दिता भी धरना मुलतवी करन दसो तो की बनदी है, सानू कुछ फड़ाओ तां सही, असीं आपदे लोकां नूं दिखाईए जा के भाई आह सानू मंगा ते गल हुई है। ये सरकार ने प्रवान करके सानू लिखती देतियां भी आह भाई साडीआं मंगा मन लिया, इन्ने चिर तक असीं सारा काम कर देंगे, फिर असीं मुलतवी करदे चंगे लगदे। खाली हाथ लोकां नूं आ के किवें कह दईए असीं भी धरना भाई खत्म हो गया। पिछले कुछ दिनों से अमृतसर के सुल्तान विंड इलाके की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें कुछ निहंग सिंगों द्वारा एक मकान पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। इसी संबंध में उक्त मकान में रह रहे व्यक्ति की ओर से अपने परिवार सहित अमृतसर पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर मरण व्रत पर बैठकर रोष प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार ने बताया कि वह पिछले लंबे समय से सुल्तानविंड इलाके में रह रहा है। वह उक्त मकान में किराए पर रहता है और उसका मकान मालिक के साथ झगड़ा चल रहा है, जिस संबंधी कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन अब उनके मकान पर निहंग सिंगों द्वारा नाजायज तौर पर कब्जा किया जा रहा है और उन्हें तंग परेशान किया जा रहा है। उसने कहा कि मकान मालिक द्वारा निहंग सिंगों को उनके घर के बाहर पक्का डेरा लगवाकर बिठा दिया गया है और अब उनके पास रात को सिर ढकने के लिए कोई जगह नहीं है। निहंग सिंगों द्वारा जबरदस्ती उनका सामान भी घर से बाहर फेंक दिया गया है। वहीं इस संबंधी पुलिस द्वारा मामला तो दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस इस मामले में अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है, इसलिए मजबूरन उन्हें अपने परिवार सहित अमृतसर पुलिस कमिश्नर के कार्यालय के बाहर बैठकर रोष प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तब तक वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं जी आज मरण वरत ते बच्चे लेके बैठन लगा कमिश्नर साहब दे सिर ते चढ़ के, क्योंकि पुलिस कार्रवाई कोई नहीं करती। 19 तरीक का परचा दर्ज होया, उस तो पहला भी मेरे ते 4 बजे हमला होया, ठीक है जी। पहला दे 8 तरीक नूं 9वें महीने मेरे ते हमला होया, पुलिस मौके ते आई है, पुलिस ने उन्हां नूं खदेड़िया, निहंगा नूं 100 निहंग सी, घट्टो घट्ट हथियारबंद लै गया, जिहदियां वीडियो सोशल मीडिया ते भी वायरल होईआं, मीडिया 'च भी आईआं, लेकिन पुलिस ने उन्हां दे खिलाफ़ परचा दर्ज नहीं किया। फिर उन्हां ने 19 तरीक नूं जिहड़ा कि मेरे एबसेंट दे विच मेरे परिवार ते 2 बेटी ते बेटा घर कल्ले सन, इन्हां नूं मारिया कुट्टिया ते थोड़ा बहुत समान मेरा घर दा बाहर सुट दिता, तो सानू ना घर वड़न दे, उत्थे निहंगा दा पहरा ला दिता भी जे वड़नगे तो इन्हां नूं मार कटाई करनगे, कृपाना लैके मरन नूं पैंदे आ, ठीक है जी। हुण उहदे मसले दे विच असीं सीपी साहब नूं दरखास्तां भी दे चुके, सारा कुछ कर चुके, 4 वारी हमले दीआं आ वेखो मेरे को नंबर लगे, FIR भी दर्ज, कोई सुनवाई नहीं करदी भाजी, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही मेरी, मैं थाने 'च चक्कर ला ला के थक चुका वां। यही है कि बार बार निहंग आंदे आ, मारदे हैगे आ, तां करदे हैगे, बार बार आंदे आ। की दमदार तुसीं कहिंदे जी? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੰਗ ਆ ਕੇ ਮਾਰਕਟਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਘਰ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਐਜ਼ ACP ਨੌਰਥ ਇਹ ਮੈਟਰ ਪੈਂਦਾ ਜੀ SHO ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਅਤੇ ACP ਇਸ ਦਾ ਮੈਟਰ ਆ ਜੀ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਏਰੀਆ ਮੇਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ 301/2022, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਬਾਏ ਨੇਮ ਨੇ ਅਤੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋਸ਼ੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰਚੇ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਤਲਕ SHO ਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਅਦ
भी गन्ने की पेमेंट ना होने के चलते गुस्साए किसानों ने धूरी के एसडीएम कार्यालय में धरना देकर रोष प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि जब उन्होंने शुगर मिल के खिलाफ धरना लगाया था तो प्रशासन ने विश्वास दिलाया था कि प्रशासन किसी भी हाल में उनकी पेमेंट करवाएगा, लेकिन पेमेंट के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी अब वह समाप्त हो चुकी है, जिसके चलते वह प्रशासन को याद दिलाने के लिए यह धरना दे रहे हैं, क्योंकि गन्ने की पेमेंट की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से किसान संघर्ष कर रहे हैं। हर बार मिल प्रबंधन और प्रशासन मिलकर किसानों को झूठा आश्वासन देकर उनका धरना समाप्त करवा देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पेमेंट बकाया रह जाती है जो हर वर्ष बढ़ रही है। किसानों का कहना था कि त्योहारों का सीजन आ रहा है, इसलिए उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए प्रशासन को याद दिलाने के लिए वे यह धरना दे रहे हैं। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मामला तो वही है जी, ये किसानों नाल मतलब प्रशासन भी सरकार भी सानू यह सरकार तो भी बड़ी वड्डी आस दी, ये सरकारां ने जिहड़ियां वड्डे घराणियां नाल रल जांदियां ने, किसान अपने पैसे लैण लैण वास्ते मतलब संघर्ष करदा, बार बार संघर्ष करने पैंदे ने, प्रशासन विच हो के समझौता करा दिंदा, तां उह समझौता जिहड़ा फिर इसे तरह होया वी सिरे नहीं चढ़िया। उसे करके अज असीं फिर मीटिंग रखी सी असीं वी मतलब प्रशासन नूं दस दईए जे इन्हां ने मतलब साडियां पेमेंटां ना दवाईआं, शुगर मिल वालिया ने पेमेंटा किसानों दिया ना करिया, तो आने वाले दिनों जिहड़ा दिवाली का त्यौहार आ बड़ा वड्डा त्यौहार आ, जे इन्हां ने पेमेंटा किसानों दिया ना करिया तो असी उस दिन कोई वड्डा संघर्ष विढ़ांगे। मसला साडे गन्ने की पेमेंट का जी, पहला साडा धरना चलता जी पिछले महीने जी, वो 24 तरीक तक चलिया जी, 24 तरीक न SDM साहब अपने DC साहब के संगरूर जाके धरना समाप्त किया जी, उन्होंने विश्वास दवाए सानू भी असी थोड़ी पेमेंट अपने 4 तरीक तक तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया पवा देंगे, जिसे चो कुल 50 लाख पाया, तो हूँ कल का पता लगे भी 25 लाख शायद होर पा रहे हैं जी, कल पाया पर उस बाद हूँ चुप ने, हूँ सानू मजबूरन इतने धरना लाना पे। बठिंडा में मिनिस्ट्री कर्मचारियों की ओर से हड़ताल की गई, अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों की ओर से अपना कामकाज बिल्कुल ठप कर दिया गया, जिस कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मौके पर यूनियन के प्रधान मेघ सिंह और गुरप्रीत सिंह ने बताया कि सरकार बनने से पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उनसे वायदा किया था कि पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी और उनकी जो मांगे हैं सरकार बनने के बाद उन्हें तुरंत लागू किया जाएगा, पर सरकार बने 7 महीने हो गए हैं लेकिन उनका कोई भी वायदा पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर उनकी ओर से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल की गई है। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। धरना साडा अज यह 10 तरीक तो 15 तरीक असी पेन डाउन स्ट्राइक शुरू की है, अज तीजा दिन हैगा, पहला भी असी 4 जोन रैलियां की गई, सरकार ने साडी कोई गल नहीं सुनी गई, हुण असी यह 15 तो बाद 16-17 नूं मीटिंग होगी साडी, उहदे विच फैसला लवांगे भी यह धरना यह जिहड़ा पेन डाउन आ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਗੇ ਆਪਦੇ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲੀਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਯੋਗਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੋਬ ਲਓ। ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ, ਇਹ ਸਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਾਂ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਟ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਪਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਉਹ ਭਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਲੋਕੋ ਕੀ ਸੇਵਾਓਂ ਮੇਂ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ समाज सेवक अजय पीवल की ओर से अपने समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए डायमंड क्रिकेट क्लब को किट्टे प्रदान की गई, जिसके बाद शिव एंक्लेव के निवासियों को स्ट्रीट लाइटें प्रदान की गई ताकि इलाके के लोगों को आ रही परेशानियों को दूर किया जा सके। इस मौके पर क्लब के सदस्यों व कॉलोनी निवासियों ने समाज सेवक अजय पीवल का आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर अंकी वरिंद्र कुमार, पुलकित लवकुश, रोहन करण सहित
अन्य इलाका निवासी भी मौजूद रहे। जालंधर कैंट से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। मैं अजय प्रधान दीपनगर तो जी। कई भैन भरावां दा सानू फोन आया कि भाजी साढ़े दीपनगर जिहना लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। पहल के आधार पर असीं जाके वो लाइटां चैक कीतियां, जिथे लाइट की जरूरत सी उत्थे लाइट लगवा दी गई और जिथे रिपेयर की जरूरत सी उत्थे कारीगर ने जाके रिपेयर करके कारपोरेशन की लाइट सही करती। और दूजा साडा डायमंड क्लब है जी दीपनगर च, बच्चे क्रिकेट खेलते उन्होंने बड़ी प्रॉब्लम सी, बैट नहीं सी, कोई कुछ नहीं सी, वो असी पहल के आधार पर बच्चों किट दी है। और मैं बड़ा थैंकफुल हाँ जी लोगों का जिड़े मैंने पहल के आधार पर कोई कंप्लेट हो फोन करते हैं जी। नमस्कार जी, साडे भरावां दा डायमंड क्रिकेट क्लब आ, बड़ियां ही खूबसूरत किटा अजय भाई ने सानू प्रोवाइड कराइया, तो मैं अजय भाई का तह दिलो धन्यवाद करदा। तो दूजी गल, साडी गली च पहला पूरा नेरा हुंदा सी, भाई ने हरेक खंबे दे लाइटां लवा के गली च रोशनी रोशनी करती। जालंधर छावनी के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में चढ़दी कला नौजवान सभा की ओर से श्री गुरु रामदास जी महाराज का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं इस संबंधी जानकारी देते हुए कैंट गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान जोगिंदर सिंह टिटू ने बताया कि शाम के समय रहराज साहिब का पाठ के उपरांत स्त्री कीर्तन सत्संग सभा द्वारा संगति रूप में सहज पाठ के भोग डाले गए, जिसके पश्चात भाई गुरविंदर सिंह टोनी लुधियाना वालों ने अपनी अमृतवाणी से संगत को गुरु चरणों से जोड़ा। इस दौरान अरदास के उपरांत गुरु का अटूट लंगर भी लगाया गया। तो वहीं इस मौके पर पूर्व पार्षद सुरेश कुमार भारद्वाज, पूर्व प्रधान चरणजीत सिंह चड्डा, हरविंदर सिंह सोडी, सतविंदर सिंह मिंटू, प्रधान जसपाल सिंह, पूर्व सब एरिया कमांडर संधु, रामलुभाया सुरेंद्र सिंह सूरी, राजन आदि उपस्थित रहे। जालंधर छावनी से हलचल के लिए जतिन राजपूत की रिपोर्ट। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा वालों सवेरे और शाम के महान प्रोग्राम लिखे गए। सवेर के दीवान भी तकरीबन 12:30 तक चले, जिन्हें उच्च कोटि के रागी जत्थे ने हाजरी भरी। रात के दीवाना के भी तकरीबन 10:30 बजे चले समागम, संगत ने हाजरियां भरिया। उच्च कोटि के रागी जत्थे ने हाजरी भर के सब संगतान अज के मुबारक समय उपर इतिहासक जानकारी दी। धन धन साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज के शुभ प्रकाश संबंध उत्सव के संबंध में अज गुरद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जलंधर छोनी में चढ़दी कला नौजवान सभा वालों रात के दीवान सजाए गए। मैं अपने वालों तो अपने परिवार वालों और अपने प्रधान सरदार जोगिंदर सिंह जी टक्कर वालों सभा के प्रधान हरविंदर सिंह मंगी वालों समूह कैंट की संगतान लख लख बधाई देना हाँ। अज जलंधर छावनी गुरद्वारा सिंह सभा विखे धन धन साहब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी का प्रकाश उत्सव सवेरे भी मनाया गया, तो इस टाइम शामी भी चलता पिया है। नाल ही गुरु रामदास जी महाराज के प्रकाश उत्सव दियाँ समूह साध संगत को लख लख बधाइया देने। भगवान वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी की ओर से मोहल्ला निवासियों के सहयोग से 16 लिंक रोड जालंधर में भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष में विशाल लंगर लगाया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी ने मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत की। वहीं इस मौके पर प्रधान बॉबी सोंधी, जनरल सेक्रेटरी विक्रम भंडारी, कोषाध्यक्ष रतन लाल हीरा, नीटू कल्याण, राजन कल्याण, जसलीन सेठी, अनुपम कल्याण, परवीन सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर की रिपोर्ट। आज भगवान वाल्मीकि मंदिर लिंक रोड वालों जो भगवान वाल्मीकि महाराज जी के उपलक्ष्य के लंगर लगाया गया है। हर साल ही लंगर लगाते हैं, चाहे कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, टीम अगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदी है। तो मैं अपने वालों अपने सारे साथियों का तह दिलों धन्यवाद करदा और उस परमपिता परमात्मा के चरणों के अरदास करते हैं कि साडा आपसी सहयोग, आपसी भाईचारा, आपसी प्यार इस तरह बनया रहे। और सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी का जो प्रगट दिवस है वो सारे नगर के कुल पंजाब दे विच और कुल विश्व दे विच बहुत धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। और साडी जिहड़ी इह वाल्मीकि मंदिर सोसायटी है रजिस्टर्ड लिंक रोड जिहनूं आपां आबादपुरा मुहल्ले की भी सोसायटी कह दिंदे हां कि अज इन्हां ने इत्थे लंगर का आयोजन किया और बहुत भारी गिणती दे विच संगतां इस लंगर का जिहड़ा वो आनंद उठा रही हैं। और सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि महाराज जी के प्रगट उत्सव के उत्ते भगवान वाल्मीकि प्रबंधक कमेटी वालों लिंक रोड मॉडल टाउन के 20 नंबर वार्ड के अज उन्हां दे प्रकाश उत्सव के उत्ते लंगर की सेवा रखी गई है, जिदे विच विभिन्न प्रकार के व्यंजन रखे ने, खीर है, भटूरे है, पूड़ियाँ है। तो मैं सारे समूह शहर वासियों नूं ते अपने भरा बॉबी सोंधी जो कि इहदे प्रधान हैगे प्रबंधक कमेटी के नाल चेयरमैन भंडारी जी नूं
ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਵਮੀ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੇ ਭਕਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਕਾ ਪਾਠ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਤੋ ਵਹੀਂ ਭਜਨ ਮੰਡਲੀਓ ਨੇ ਮਧੁਰ ਭਜਨ ਗਾਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਨਿਹਾਲ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਬਜਾਜ ਔਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੈਨ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੋ ਨਸ਼ੋਂ ਸੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਏ ਗਏ ਹੈਂ ਔਰ ਆਨੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਵੀ ਸਭੀ ਤਿਉਹਾਰ ਧੂਮਧਾਮ ਸੇ ਮਨਾਏ ਜਾਏਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਰੌਕੀ ਜੈਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸਹਿਤ ਅਨਯ ਭਗਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮੰਦਿਰ ਏਵਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੁਹੱਲਾ ਅਵਤਾਰ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਈਸਟ ਚੌਗਿੱਟੀ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਸੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਤਿਨ ਸੋਹਤਾ, ਰਵੀ ਲਾਡਲਾ ਔਰ ਸੋਨੀ ਸਾਗਰ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਕੀਆ ਔਰ ਪੰਡਾਲ ਕੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬੜਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਰਾਜ ਅਧਿਵਾਨਸ਼ੀ, ਰਾਜਨ ਸਭਰਵਾਲ, ਧਨਪਤ ਅਟਵਾਲ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮੱਟੂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਲਾਲ, ਸੋਹਨ ਲਾਲ, ਅਜੇ ਸਭਰਵਾਲ, ਸ਼ੇਖਰ ਗਿੱਲ, ਮਨੀਹੰਸ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੋਹਤਾ, ਸਚਿਨ ਗਿੱਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੱਟੂ, ਵਿਜੇ ਭੱਟੀ, ਜਸਮੀਤ ਸ਼ੌਂਕੀ, ਮਨੀ ਗਿੱਲ ਸਹਿਤ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਮੇਂ ਭਗਜਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा मां भक्तों के सहयोग से साप्ताहिक माता की चौकी एवं बाल भजन संध्या आयोजित की गई। माता की चौकी एवं बाल भजन संध्या में विजय कोड़ा एंड पार्टी की ओर से गणेश वंदना गाई गई, जिसके बाद भजन गायक राजीव भसीन, शौकी सहगल, राजेश शर्मा, वीनू सहगल, रहमत बाली, गोपाल पांडे, गौरव लूथरा, प्रदीप और रमन ढल्ला ने मां के मनमोहक भजनों से भक्तों को देर रात तक झूमने पर विवश किया। इस भजन संध्या में मंच संचालन की भूमिका मंदिर के प्रमुख सेवादार बलदेव आनंद ने निभाते हुए सभी आए हुए मां भक्तों का धन्यवाद किया। भजन संध्या में आई हुई भजन मंडलियों को श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, बलदेव आनंद, रमन शर्मा, लेखक रमेश शौकी, सुनील अरोड़ा, राजेंद्र शर्मा, काहन चंद, चंदन सहगल, अशोक शर्मा, विजय महाजन, मोहन लाल ने मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए स्वदेश भगत की रिपोर्ट।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। नाभा ब्लॉक के गांव कोटली में एक 42 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश, पारिवारिक सदस्यों ने हत्या का लगाया आरोप। एसटीएफ लुधियाना रेंज ने गुप्त सूचना के आधार पर एक दोपहिया वाहन चालक को किया काबू, 2 किलो 936 ग्राम हेरोइन की बरामद। जालंधर CIA स्टाफ की पुलिस ने प्रीत फगवाड़ा गैंग से जुड़े 3 युवकों को किया काबू, 6 पिस्तौल 6 देसी कट्टे किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।